चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन। वी हैव टू फॉर्म बेंडिंग इक्वेशन। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस की बेसिक बात करते हैं, सेगिंग मोमेंट, होगिंग मोमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केसेस देखे कि सेगिंग मोमेंट में टॉप लेयर में कैसे स्ट्रेसेस, टेंसाइल कंप्रेशन स्ट्रेस रहेगी, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल लेयर क्या होती है, क्या क्या अजम्पशंस बेंडिंग स्ट्रेसेस या बेंडिंग मोमेंट की जो थ्योरी है, बेंडिंग थ्योरी है, उसमें हमें यूज़ करना है। तो आगे अब हम कुछ इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे बेसिक टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हम ड्राइव करेंगे, और ये रिलेशनशिप्स किस किस के बीच में रहेगी, एक होगा यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट, फिर आपका बेंडिंग मोमेंट, देन बेंडिंग डिफॉर्मेशन, एंड ये बेंडिंग डिफॉर्मेंस मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एज आई डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। सो यहाँ पर हम जो भी रिलेशनशिप्स हैं इनको टू स्टेप्स में हम ड्राइव करेंगे। पहला रिलेशनशिप जो रहेगा वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, और दूसरा जो रिलेशन्स बनेगा यहाँ पर वो आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। मतलब पहले रिलेशनशिप में हम बेंडिंग स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर डेट मीन्स आर को हम यूज़ करेंगे, और दूसरे रिलेशन में बेंडिंग मोमेंट डेट मीन्स एम, कैपिटल एम एन, रेडियस ऑफ कर्वेचर डेट मीन कैपिटल आर को हम यूज़ करेंगे। इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर रिलेशनशिप निकालेंगे। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इसको स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कोई सेक्शन है ए बी, इस ए बी सेक्शन को हम कंसिडर करेंगे। सपोज़ ये कोई आपका बीम है, इस बीम का जो टॉप लेयर है वो है ए बी, और बॉटम लेयर है यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पर्टिकुलर बीम की या न्यूट्रल लेयर है, जैसा कि हमने समझा था कि न्यूट्रल लेयर क्या होती है, न्यूट्रल लेयर उस लेयर को हम बोलते हैं जहाँ पर आपका जो भी स्ट्रेसेस है वो कंप्रेशन से टेंशन या टेंशन से कंप्रेशन में जाए, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेसेस चेंज हो, डेट मीन जहाँ पर कोई भी स्ट्रेस ना लगे, स्ट्रेस जीरो हो जाए, उस लेयर को हम कहते हैं न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में मैंने ई एफ को, कैपिटल ई एफ को न्यूट्रल लेयर अज्यूम करा है, और जी एच जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जी एच क्या है, ये जी एच एक एलिमेंट्री लेयर मैंने यहाँ पर अज्यूम करी है, जो कि वाई स्मॉल वाई डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस से है। मतलब स्मॉल वाई डिस्टेंस से आप यदि न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ, एक कोई लेयर अज्यूम करेंगे जी एच, तो वो इस, ये आपकी जो वाई डिस्टेंस है वो है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसी सेक्शन को जब कहीं किसी तरह की लोडिंग अप्लाई होगी, किसी भी टाइप्स की लोडिंग यहाँ पर अप्लाई होगी, तो उस लोडिंग के कारण यहाँ पर कुछ बेंडिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर अज्यूम करा है कि यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से लोड अप्लाई हो रहा है, इस लोड के कारण यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट इसके दोनों पोर्शन में, दोनों छोर पर यूज़ हो रहा लग रहा है। तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण ये बीम जो है यहाँ पे सेगिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और इस सेगिंग मोमेंट के कारण ये बीम इस तरह से सेक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसा हमने डिस्कस करा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, यहाँ पे कोई सपोज इस जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये बेंडिंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका कोई एक सेंटर पॉइंट है ओ, उस पॉइंट से इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ई एफ, कैपिटल ई एफ। यहाँ पर हम ये एडेस बीडेस सीडेस सीडेस को समझ लेते हैं पहले, ये क्या है, एडेस बीडेस सीडेस डीडेस आफ्टर द डिफॉर्मेशन सेगिंग मोमेंट में जो अपर लेयर होगी वो कंप्रेशन होगी, तो कंप्रेस होने के कारण जो आपकी ए बी है, एडेस बीडेस है, वो स्मॉलर देन ए बी, डेट मीन ये कंप्रेस होकर के एडेस बीडेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी जो सी डी लेयर है वो क्या होगी, एक्सपांड होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन होता है इस बॉटम फाइबर में, जैसे हमने समझा है टेंशन होगा ड्यू टू सेगिंग मोमेंट। तो यहाँ पर हम एडेस बीडेस सीडेस डीडेस को समझ लेते हैं। इसी तरह से यदि हम वाई डिस्टेंस देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, जो कि हमारी जीएच लेयर है, तो जीएच लेयर भी कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक एक्सटेंड होगी, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सपांसन होगा, और आपकी जो ई ईडेस एफडेस लेयर है,
इसमें क्या होगा, तो आपकी जो ईडीएस एफडीएस लेयर है, ये ईडीएस एफडीएस लेयर आपकी यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे है। न्यूट्रल एक्सिस पे होने के कारण या फिर न्यूट्रल लेयर होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्रेसेस नहीं लग रही है। यहाँ पर ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ना ही यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है। तो ना तो इस पर्टिकुलर लेयर की लेंथ कंप्रेस होगी, ना ही एक्सपांड होगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है, ई एफ विल बी इक्वल टू ई डेस एफ डेस, गोट इट, आफ्टर द कंप्रेशन। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं ई डेस इक्वल टू एफ डेस, और आप जानते ही हैं कि जो आपका आर्क होता है, जो आपकी आर्क की कोड की जो लेंथ होती है, कोड लेंथ, कोड लेंथ किसके बराबर होती है? कोड लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस ई एफ को, ई एफ, दिस ई एफ विल बी इक्वल टू, ई एफ विल बी इक्वल टू, ई एफ क्या है यहाँ पर, ई एफ इज़ द कोड लेंथ, कोड लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, एंगल इज अवर फाई, फाई इज, वी कंसिडर द फाई इज द एंगल बिटवीन द बोथ द पॉइंट्स ऑफ द न्यूट्रल लेयर। ओके नाउ सो एज आई डिस्कस द लेयर जी एच, वाट इज द जी एच, जी एच इज द लेयर वाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ लिमिट में एक्सपांसन होगा, क्योंकि हमने समझा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिकॉज इट इज़ ब्लो फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर एंड दिस इज द केस ऑफ सेगिंग मोमेंट। सो ड्यू टू दिस देर आर सम एक्सपांसन इन दिस लेयर। सो वाट इज द एक्सपांसन, वाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सपांसन? सो वी नो डेट द स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। सो वाट इज द चेंज इन लेंथ इन अवर दिस पर्टिकुलर लेयर जी एच? सो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ। सो वाट इज अवर फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ इज अवर जी डेस एच, इनिशियल लेंथ इज अवर जी एच एंड इनिशियल लेंथ इज अवर जी एच। सो चेंज इन लेंथ आर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू जी डेस एच डेस माइनस जी एच अपॉन में जी एच। ओके